Hello friends, welcome to EverStudy classes. As you all know that we are running a 5-minute series on our platform and the topic for today's discussion is economic region of production. Aur ye topic important hai NET paper 2 commerce or management ke liye. To aage badhne se pehle main aapko hamare aur courses ke bare mein bhi bata deti hu jo hai unit snapshot notes, unit wise past papers jo ki completely explain hai. टेस्ट सीरीज प्रैक्टिकल यूनिट्स वीडियो कोर्स फुल वीडियो कोर्स और पेपर टू कोर्सेज कॉम्बो और इसके साथ पेपर वन यानी जनरल पेपर का भी मिनी कॉम्बो पैक आप अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से जो है www.everstudy.co.in। अब हम समझेंगे कि इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है। तो इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन हमको दिखाता है डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स जो एफिशिएंट प्रोडक्शन शो करता है। आई रिपीट, जो एफिशिएंट प्रोडक्शन शो करता है वो हमारा होता है इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन। और साथ ही हमको ये बताता है कि इकोनॉमिक रीजन एक बाउंड्री तक ही लिमिटेड होता है और इन बाउंड्रीज को हम रिज लाइन के नाम से जानते हैं। तो जितना भी प्रोडक्शन इस रिज लाइन के अंदर होगा वो एरिया आएगा इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन के अंडर और इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी कि एमपी हमारी होगी इक्वल्स टू जीरो। अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी इस रिज लाइन के बाहर जाता है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव होने लगेगी। जैसा कि हम मार्जिनल प्रोडक्शन की थ्योरी में पढ़ते हैं कि किसी भी वेरिएबल के इनपुट अगर जरूरत से ज्यादा होने लगता है तो हमारा एमपी क्या होता है, फॉल करने लगता है और हमारा एमपी नेगेटिव हो जाता है। तो अब हम इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन को इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें आइसोक्वांट का क्या रोल होता है। तो आइसोक्वांट्स बेसिकली ये लाइंस हो गई आपकी, ये कर्व जो कि कॉन्वेक्स है अपने ओरिजिन से, ठीक है। तो ये जो आइसोक्वांट है ये बताता है या आप कह सकते हैं ये शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स जिनका आउटपुट जो होगा वो सेम लेवल का होगा। जैसे कि आप इस यहाँ पे देख लें कि अगर हम यहाँ पे कैपिटल 10 इनपुट कर रहे हैं, मतलब कि 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल अगर इनपुट कर रहे हैं और वहीं पे हम लेबर इनपुट कर रहे हैं 5, तो भी हमारा आउटपुट कितना होगा, 100 होगा। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे लेबर को 10 इनपुट कर रहे हैं यानी कि 10 यूनिट्स ऑफ लेबर इनपुट कर रहे हैं और कैपिटल हम 5 कर देते हैं तो भी हमारा आउटपुट आता है कितना, 100 यूनिट्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं MRTS को यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल जो हम देख सकते हैं इसमें इस ग्राफ में, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको आइसोक्वांट में कि यहाँ पर हम अपना कैपिटल कितना यूज कर रहे थे, 10 कैपिटल और लेबर हम यूज कर रहे थे 5। और आगे बढ़ते बढ़ते हमको लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी तो हमने अपने लेबर को इंक्रीज करके 10 कर दिया और कैपिटल को रिड्यूस कर दिया 5 में। तो ये जो हम रेडी थे अपने कैपिटल को सेक्रीफाइस करने के लिए और इन ऑर्डर टू यूज मोर लेबर, तो ये हमको दिखाता है हमारा MRTS। और MRTS का फॉर्मूला होता है चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर। तो अब हम बात करेंगे रिज लाइंस की कि इकोनॉमिक रीजन में इन रिज लाइंस का क्या यूज होता है। तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये जो लाइंस जा रही है इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए, तो ये हमारी अपर रिज लाइन है और ये वाली हमारी लोअर रिज लाइन है। और जितना भी प्रोडक्शन इस रिज लाइन के अंदर हो रहा है ये आएगा हमारा इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन के अंडर, और जितना भी इन रिज लाइंस के बाहर जो प्रोडक्शन जा रहा है वो हमारा वेस्ट प्रोडक्शन है। इस वाली रिज लाइन को हम बोलेंगे अपर रिज लाइन, जिसमें कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू जीरो होगा और लोअर रिज लाइन में हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर होगा जीरो। तो जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है हमारा इस रीजन के अंदर वो हमारा इकोनॉमिक होगा। तो प्रोडक्शन टेक्निक्स आर ओनली एफिशिएंट इनसाइड द रिज लाइंस। सो फ्रेंड्स, ये आज के लिए आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि हमको पता चले कि आज का सेशन कितना हेल्पफुल रहा आप सभी के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। आप हमको फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और टेलीग्राम पे, और इन केस ऑफ एनी क्वेरीज हमको विजिट करिए हमारी वेबसाइट पर जो है www.everstudy.co.in।